तो हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। तो गाइस, हमारे पोको F1 डिवाइस का जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी कमाल का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड फेस अनलॉक दिया गया है। तो आपको पता ही होगा, आपने यूज़ किया होगा, इवन नाइट लाइट में डार्क टाइम में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, काफ़ी एक्यूरेटली और काफ़ी फास्ट तरीके से काम करता है। बट शायद ही आपको पता होगा कि ये रात के समय में हमें किस तरह से देखता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते ही, और यहाँ पर आज शायद आप डर जाएंगे थोड़ा सा इस वीडियो को देख के। यहाँ पर जो फीचर आपको मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी कमाल का है। आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि रात में ये हमें किस तरह से देखता है, हमारी फ़ोटो को, हमारी इमेज को किस तरह से देखता है। तो इस फीचर को लेके आप भौकाल भी मार सकते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, डरा सकते हैं, काफ़ी कमाल का लगेगा। शायद आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और साथ में यहाँ पर एक इन्फ्रारेड सेंसर मिलता है जो रेड कलर का जलता है। आपने यूज़ किया होगा डिवाइस तो आपको आपको पता होगा कि यहाँ पर रेड कलर का सेंसर जलता है। इसके बगल में एक कैमरा जैसा दिया गया था, तो मैंने जब सबसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि LED फ्लैश है, बाद में पता चला LED फ्लैश नहीं है। फिर लगा यार कैमरा जैसा दिख रहा है बट ये है क्या, मतलब मुझे एकदम से आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने कल इसमें थोड़ी सी रिसर्च करी तो भैया मुझे कुछ पता चला जो कि काफ़ी कमाल का और काफ़ी डरावना और भयानक टाइप का था। तो आप वीडियो में बने रहिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्टिविटी लॉन्चर नाम की। आप और भी कोई एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक्टिविटी लॉन्चर को इंस्टॉल किया। तो सिंपली अब इसे हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे ऊपर रिसेंट एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, अब यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ करना है, ये कर दिया। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे CIT वाला फीचर दिया गया है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद इसमें सबसे आखिरी में एक ऑप्शन मिलता है IR रॉ टेस्ट, तो यहाँ पे हम इंफ्रारेड को टेस्ट करेंगे, बेसिकली अभी इसकी जो एक्टिविटी है उसको टेस्ट करेंगे। तो अब हम इसे ओपन करते हैं, देख सकते हैं इस टाइम पे जो ये वाला कैमरा है, हमारा कैमरा, मेन कैमरा, वो यूज़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो दूसरा वाला कैमरा है, ये वाला, ये यूज़ में आ रहा है। तो बेसिकली ये इंफ्रारेड की मदद से, इंफ्रारेड को यूज़ करके हमारे इस वाले कैमरा को यूज़ करता है हमें रात के टाइम पे देखने के लिए। यहाँ पे मेरी आंखें थोड़ी अजीब सी दिख रही हैं, मैं भूतिया लग रहा हूँ ऐसे। देखो मेरी आंखें एकदम ब्लैक नहीं दिख रही हैं, अजीब सी दिख रही हैं, मैं भूत हूँ, द नमन, द नन। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे नाइट करके, थोड़ा रात करके दिखाता हूँ। तो अभी इस टाइम पे लाइट्स यहाँ पे जल रही हैं, देख सकते हैं सब कुछ दिख रहा है आपको। तो 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो अभी यहाँ पे बैक चला जाता हूँ और लाइट्स को मैं ऑफ़ करने जा रहा हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं। यहाँ पे मेरा हाथ है, लेकिन आपको शायद मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा होगा। और इसकी ब्राइटनेस को भी हम धीमा कर देते हैं, एकदम धीमा कर दिया हमने इसकी, अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को धीमा कर दिया। अब हम फिर से IR रॉ टेस्ट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो भाई ये मुझे आराम से देख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंफ्रारेड रेज निकलती हैं इसमें से, और वो फेस पे या ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी पॉइंट करती हैं। और उसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है इसमें इंफ्रारेड के जस्ट बगल में, तो वो वाला कैमरा काम करता है हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यहाँ पे ये मुझे रात के टाइम पे भी आराम से देख सकता है। तो कुछ इस तरह से हमारा फेस अनलॉक इतना फास्ट और एक्यूरेट काम करता है। आप चाहें तो इस ऐप को इंस्टॉल करके और इसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा भौकाल बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी मैं लाइट्स को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस, लाइट्स ऑन कर दी हैं, अब मैं ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ उसके। ओह, अभी भी दिख रहा हूँ मैं। तो ये कुछ भी देखता है, कुछ भी देख लेगा, जिस तरफ आप इसे पॉइंट करेंगे, ज़रूरी नहीं कि फेस हो, कोई भी चीज़ हो उस पर पॉइंट करेंगे तो ये प्रॉपरली उसे देख लेगा। और यहाँ पे टेक अ पिक्चर और टेक रिपीट पिक्चर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसे टेक अ पिक्चर करते हैं तो एक रॉ पिक्चर डॉट रॉ फॉर्मेट में इमेज कैप्चर कर लेता है, JPG या PNG फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसे आप ओपन नहीं कर सकते नॉर्मली, या फिर आप उस रॉ इमेज को किसी तरह से कन्वर्ट करें JPG या PNG में। मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, एक टूल यूज़ किया था सिंपल सा, तो उससे हुआ नहीं, तो वो इमेज एकदम अजीब सी आई थी। बट ओवरऑल ये मुझे फीचर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक फीचर लगा, शायद इसके बारे में आपको नहीं पता रहा होगा। तो अगर आपको ये फीचर के बारे में नहीं पता था, कभी नहीं सुना था इस फीचर के बारे में, तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं पोको F1 डिवाइस से रिलेटेड और भी बहुत सी कमाल की वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, और ऑलरेडी मैंने और भी कमाल की वीडियोज़ बना रखी हैं पोको F1 डिवाइस से रिलेटेड। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को चेक नहीं किया है तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है, एक्टिविटी लॉन्चर, तो सिंपली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करना है, ऑल एक्टिविटीज़ में जाना है, CIT वाले टेस्ट में जाना है, उसके बाद IR रॉ टेस्ट में जाना है, और उसके बाद आप बन जाएंगे
तो कुछ इस तरह से आप जान सकते हैं कि भैया हमारा इंफ्रारेड हमें रात में किस तरह से देखता है। तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।